वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए सिंपल डीआईवाई रेमेडी बताने वाली हूँ। इससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रिड्यूस होने के साथ ही साथ रिंकल्स फाइन लेंस भी दूर होंगे और आंखों के नीचे आसपास का कालेपन भी हट जाएगा। ये अपना आईज को रिफ्रेशिंग लुक देता है और साथ ही अपना अंडर आईज को खूबसूरत बना देती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इसके लिए एक क्लीन बॉल में हमें ऐड करना है 2 चम्मच दही। आप दही मलाई वाली दही यूज़ कीजिए क्योंकि मलाई वाले दही हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजिंग कंटेंट रहता है। ये अपना अंडर आई को नॉरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, अंडर आई एरिया ड्राई होने से भी मॉइस्चराइज रखता है और ड्राई स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बना देती है। तो इसलिए दही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच हल्दी ऐड करना है, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच हल्दी ऐड करके इन दो चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच आलू का रस ऐड करना है क्योंकि पोटैटो रस जो है ये अपना आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स को रिड्यूस करने के साथ ही साथ स्किन को टाइटन अप करता है और ब्राइटन करता है, आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स को रिड्यूस करता है, आसपास का कालेपन को भी दूर करता है क्योंकि पोटैटो जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है। ये डार्क स्किन को दूर करने के साथ ही साथ डार्क सर्किल्स को रिड्यूस करता है और ये एंटी एजिंग तरह भी काम करता है। तो इसलिए इसमें पोटैटो का जूस आलू का रस भी ऐड करके मिक्स करना है। अभी ये बन चुका है, इसको आप आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स के एरिया पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ दीजिए क्योंकि ये आंखों के नीचे 10 मिनट तक छोड़ने से ये इसको अच्छी तरह नॉरिश करता है और साथ ही कालेपन को भी रिड्यूस करता है। और 10 मिनट तक छोड़ के इसके बाद आइस को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए क्योंकि हल्दी थोड़े स्किन टाइप्स को सूट होता है, थोड़े लोगों को सूट नहीं होते हैं। तो बिफोर ये पैक को अप्लाई करने के पहले आप एक बार पैच टेस्ट कीजिए क्योंकि हर स्किन टाइप एक ही तरह नहीं रहता है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है थोड़ा सा स्किन पे इरिटेटिंग रहेगा, इसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको हल्दी का एलर्जी है तो आप इस रेमेडी को पैच टेस्ट करके यूज़ कीजिए। लेकिन ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इससे नुकसान साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, 100% डार्क सर्कल्स इससे रिड्यूस हो जाएंगे। सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।